Hello friends, good day to all again. Now today I am taking the session for the class 11th biology. This is the first session for the first chapter, the living world of class 11th biology. My channel name is Biology with Pukhraj Vaishno, so I request to all to subscribe it and enjoy all further sessions of biology. So let's start the chapter 1 of the class 11 biology. Livings. Okay, what do you mean by livings? Livings having a particular type of characteristics like growth, reproduction, ability to respond against the stimuli, they having metabolism, then we set to a particular thing to a living. Thing means a content having these type of characteristic is called living. Otherwise, if these all the character are not present in a particular thing, then we can't set to be that content is a living. So let's discuss one by one. First, all organism grow. हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर सकता है. ग्रोथ सभी के अंदर प्रेजेंट होती है. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? एनीवन, इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ सेल कैरेक्टराइज बाय ग्रोथ. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हम उसको ग्रोथ कहेंगे. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या नॉन लिविंग का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो सकता? होता है. माउंटेन्स देख लीजिए, सैंड ड्यून्स देख लीजिए, उनका भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है. यानी कि ग्रोथ वर्ड जो डेफिनेशन है ग्रोथ की, वो केवल लिविंग में नहीं नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होती है. दैट्स व्हाई वी कांट डिफाइन द लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग. ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग. क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होता है. ओके, एनिमल प्लांट एक सर्टेन प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस होती है. प्लांट की ता उम्र तक ग्रोथ होती रहती है. प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यूस होती है, लेकिन एनिमल की ग्रोथ डिटरमिनेंट होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके रुक जाती है. इसलिए एनिमल की ग्रोथ कंप्लीट कंटिन्यूस नहीं रहती है, थ्रू आउट लाइफ ही रहती है. हम देखते हैं कि हमारी हाइट बढ़ती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, बढ़ती बाद में जाके रुक जाती है. तो हमारी डिटरमिनेंट ग्रोथ होती है. नॉन लिविंग में भी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं लिया जा सकता है. लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो फ्रॉम इनसाइड. इंटरनल ग्रोथ इज इंटरनल, नॉट एक्सटर्नल. ग्रोथ इज इंटरनल. ओके, ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, जो हम डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं. देर आर सर्टेन एग्जाम्पल इन विच द मास डिक्रीज ड्यूरिंग द ग्रोथ जनरेटिंग पोटेटो ट्यूबर. ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम देखते हैं वॉट इज ग्रोथ. When the anabolism is greater than catabolism, then it termed as growth. जब anabolism ज्यादा होगा, कोई चीज ज्यादा progressive, generative बनेगी ज्यादा, और degenerative यानी खर्च कम होगी, तभी तो growth होगी. तो growth कम होगी जब anabolism ज्यादा होगा, किससे? catabolism से ज्यादा होगा, तब growth होगी. लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो, अगर कैटाबोलिज्म ज्यादा हो जाए एनाबोलिज्म से, तो उसको क्या कहेंगे? उसको नेगेटिव ग्रोथ कहेंगे. उसको क्या कहेंगे? उसको नेगेटिव ग्रोथ कहेंगे. तो इस चीज का ध्यान रहे कि नेगेटिव ग्रोथ का मीनिंग क्या है. नेगेटिव ग्रोथ का मीनिंग हो गया कि जिस कैटाबोलिज्म इज मोर देन एनाबोलिज्म, वो किसमें होता है? जनरेटिंग पोटेटो ट्यूबर्स के अंदर ये मिल सकता है. देयर आर सर्टेन एग्जांपल व्हिच मास इज डिक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ. मास कैसे डिक्रीज हो गया? क्योंकि वो ग्रोथ कौन सा हो गया? नेगेटिव हो गया. वहां पे क्या हो रहा है? कैटाबोलिज्म ज्यादा हो रहा है और एनाबोलिज्म कम हो रहा है. ये नेगेटिव ग्रोथ है. यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसका ध्यान रहे. ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे वही वापस है. इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. कैसे? अमीबा डिवाइडिंग टू डॉटर सेल, व्हाट इज दिस? सर, ये तो रिप्रोडक्शन है. क्या इसमें सेल के नंबर इंक्रीज हो रहा है? यस, सेल के नंबर भी. क्या ये ग्रोथ है? यस, ग्रोथ भी है. इट मींस इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म
वी कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि ग्रोथ का मीनिंग भी वही है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, और रिप्रोडक्शन का मीनिंग भी वही है कि वहां पे एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है. इसलिए वी कैन से दैट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म. ओके, सो ये आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. ग्रोथ अकर वेन एनाबोलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबोलिज्म, ये रीड कर चुके हैं. नेगेटिव कब होता है ये रीड कर चुके हैं. ग्रोथ ऑल्सो अकर इन नॉन लिविंग, दैट्स वाई वी कांट इंक्लूड द ग्रोथ एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग. चलो नेक्स्ट कंटेंट, सेकेंड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स क्या है? रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी लाइक पेरेंट्स. दैट कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है. दो टाइप होते हैं रिप्रोडक्शन के. फंजाई स्पोर्ट से रिप्रोड्यूस करता है, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन होता है, और कुछ एल्गी है स्पायरोगायरा जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, कुछ फंजाई के अंदर प्रोटोनिमा फंजाई जो है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी मिल सकता है. फिलामेंटस में एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन मिलता है. प्रोटोमास मोस जो होता है, मोस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोटोनिमा के द्वारा होता है. तो दीज आर द एग्जांपल. एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम. ये इससे पहले जो कंटेंट आपको डिस्कस किया था वो यहाँ पे आ चुका है. ऑल द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अमीबा, अदर प्रोटोजोन्स, ईस्ट एंड ऑल द मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, उन सभी के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स है, क्योंकि इन दोनों में वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है एज पर द डेफिनेशन. सर्टेन ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि म्यूल जो है, जो डंकी और हॉर्स के आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, म्यूल वर्कर बी जो है, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो है, जो आगे न्यू जनरेशन को, न्यू ऑफस्प्रिंग को नहीं दे सकते हैं, तो वो क्या है? दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस. इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म. लिसन केयरफुली द स्टेटमेंट, रिप्रोडक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग. इट इज नॉट एन इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग. ठीक है, तो ये ध्यान रखें. इसलिए इसको भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं ले सकते, क्योंकि ये सभी में प्रेजेंट नहीं होता. रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग. वाई? बिकॉज इट नॉट प्रेजेंट इन ऑल, नॉट प्रेजेंट इन ऑल. इट इज नॉट एन इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, सभी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट मेटाबोलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. दीज आर अनदर थ्री करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग. फर्स्ट मेटाबोलिज्म. सेवरल केमिकल रिएक्शन अकर इन लिविंग. आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. कितने टाइप्स होते हैं? वी अवेयर अबाउट दैट. दो टाइप्स होते हैं, वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज प्रोग्रेसिव रिएक्शन एंड कैटाबॉलिज्म इज डीजनरेटिव रिएक्शन. सो दीज ऑल आर यू आर अवेयर अबाउट दिस. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. ऑल द रिएक्शन टुगेदर आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोसेस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. इट हैज नो एक्सेप्शन. लिसन केयरफुली, नो एक्सेप्शन. इट मींस अगर लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म है. ऑल लिविंग कंटेन मेटाबॉलिज्म, सो वी कैन डिफाइन द लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म. देयर इज नो एक्सेप्शन. Another content is cellular organization. Cellular organization means living made up of cell. Either it is single cell or multicell, there are cells. So we can say cellular organization is also defining property of living. क्योंकि चाहे सिंगल सेल का बना हो या मल्टी सेल का बना हो, उसके अंदर सेल तो प्रेजेंट होगा. इसलिए सेल, इसके भी कोई एक्सेप्शन नहीं है. इसलिए हम लिविंग को इस करेक्टरिस्टिक के आधार पर भी डिफाइन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या है? हम किसी स्टिमुलाई को किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं, ये लिविंग्स में, नॉन लिविंग में नहीं. आप स्टूल को पिंच चुबाएंगे, स्टूल रेस्पॉन्ड नहीं करेगा. वो नॉन लिविंग है, लेकिन लिविंग की अगर पिंच चुबाएंगे डेफिनेटली वो रेस्पॉन्ड करेगा. इसका मीनिंग है कि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है. हम एनवायरमेंट के स्टिमुलाई के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करते हैं और
वो केवल लिविंग में ही पाया जाता है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसको ये भी एक तरह का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। लिविंग बींग सेंस रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक वाटर टेम्परेचर अदर ऑर्गेनिज्म पॉल्यूटेंट, तो इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर आपका एमसीक्यू आ जाए कि कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है और ये तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट कंटेंट लेते हैं, डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डायवर्सिटी, डायवर्सिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज कॉल्ड डायवर्सिटी। डिस्क्राइब नंबर ऑफ स्पीसीज जो नोटिफाई है, कितनी स्पीसीज डिस्क्राइब है, 1.7 टू 1.8 मिलियन रिकॉर्डेड है, और 1.7 टू 1.8 लोकल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी अप्लाइड एट अ ग्लोबल। लोकल नेम भी होते हैं और उनके साइंटिफिक नेम भी होते हैं। साइंटिफिक नेम सबसे पहले किसने दिया था वो आपको पता ही है, कैरोलस लीनियस ने साइंटिफिक नेमिंग दी थी। ओके, नोमेनक्लेचर जो है, अगर वो प्लांट है तो किसने दिया, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और अगर एनिमल सेल है तो नोमेनक्लेचर का देने वाली संस्था का नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ करेक्ट करेंगे, ये फोर की जगह क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले दिया किसने था, तो सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लीनियस ने। ओके, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर उन्होंने दो टर्म दिया था, फर्स्ट टर्म क्या था, जीनस, और सेकेंड टर्म क्या था, स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखें कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द टू टर्म, द फर्स्ट टर्म इज जीनस एंड द सेकंड टर्म इज स्पीसीज। ओके, एंड लैटिनाइजेशन किया गया था नाम का। ये कुछ पॉइंट्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो कैरोलस लीनियस ने दिए थे। द फर्स्ट वन इज द, देयर आर टू टर्म, द फर्स्ट वन इज जीनस एंड द सेकंड वन इज स्पीसीज, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज कैपिटल एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीसीज इज स्मॉलर। नेम should be latinized, name if they are handwritten they should be underlined, if they are italic there is no need of underline. Okay, so first word start with capital letter of genus and the second word with the smaller letter. This is the example, mango. Mango का botanical name जैसे देर का Mangifera indica, या Mangifera और indica के बीच में थोड़ा gap होना चाहिए, और दोनों को अलग अलग underline करना है, genus को अलग underline करना है और species को भी अलग underline करना है। तो इस तरीके से these are the certain features of binomial nomenclature, है ना। तो ये rules कह सकते हो कि binomial nomenclature के क्या क्या rules दिए थे, वो rules ये वाले rules हैं। Taxonomy, study of what is taxonomy, study of classified organisms. Taxonomy is study of classified organism. तो इसके अंदर क्या था, वो ease of study organism are classified into two group or categorized known as taxa. तो अलग अलग पहले categorize की थी, categorize means the different ranks like kingdom, है ना, classes, order, they are category, and the scientific rank which placed against the category is called taxon. उसको taxon नाम दिया था। जैसे अपन बात करें taxon में भी dog, mammal, wheat, rice। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए आपका MCQ, find odd one with respect to the taxon, A dog, B mammal, C wheat, and D kingdom, क्या आंसर होगा, किंगडम, क्योंकि किंगडम कैटेगरी है, किंगडम कैटेगरी है, बाकी ये सारे कौन है, ये टैक्सन है। तो टैक्सन और कैटेगरी में आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कैटेगरी का मीनिंग होता है डिफरेंट रैंक, इधर इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, जो सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी, वो कैटेगरी और उनके सामने जो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेमिंग जो होता है उसको टैक्सन कहते हैं, ऑर्गेनिज्म की नेमिंग है वो टैक्सन कहलाती है। ओके, दिस इज द फोर स्टेप्स, वी कैन से दीज आर स्टेप्स ऑफ वार, दीज आर स्टेप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ओके, सो वैसे फोर स्टेप होते हैं लेकिन यहाँ पे तीन दे रखे हैं, तो फोर्थ नंबर कौन सा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, करेक्टराइजेशन, आप किसी भी व्यक्ति को कैसे आइडेंटिफाई करोगे करेक्टर के बेस पे, यानी कि अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है अभी अभी और वो कॉकरोच जैसा लगता है तो आप क्या कहोगे, अरे ये तो कॉकरोच जैसा लगता है, इट मीन्स
आपने उसको आइडेंटिफाई किया है किसके आधार पे, कॉकरोच के करेक्टर के आधार पे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टराइजेशन, तो ये फर्स्ट दो दो स्टेप्स हो गए, देन आप उसको क्लासिफाई करोगे, अरे ये तो कॉकरोच जैसा, इट मीन्स इट बिलोंग्स टू वॉट, बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करना चाहिए क्योंकि कॉकरोच जैसा है। ओके, उसके बाद में उसको नाम तो नया देना पड़ेगा, कॉकरोच तो पहले से है तो उसको कुछ एक नया नाम देंगे, नया नाम कैसे देंगे, नोमेनक्लेचर से नाम देंगे। तो ये दीज आर द फोर स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमी एंड अनदर ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स इज इक्वल टू वॉट, सिस्टेमेटिक इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशन। सिस्टेमेटिक इक्वल्स टू टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशन। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जब हम किसी क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। ओके, लेकिन हम सिस्टमेटिक करें, सिस्टमेटिक मीन्स पहले प्रोटोजोआ, देन पोरीफेरा, देन सिलेंडेटा, देन प्लेटी हेलमंती, जैस के हेलमंती, एक सिस्टमेटिक मैनर में जब स्टडी की जाती है कि प्रोग्रेस कैसे हुई है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसको कंसीडर जब किया जाता है तो सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमी में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है तो केवल किसका डिफरेंस है, इवोल्यूशन का। टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशन का ध्यान नहीं रखा गया था, लेकिन सिस्टमेटिक्स के अंदर इवोल्यूशन का ध्यान रखा गया था। तो सिस्टमेटिक इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमेटिक इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द डाइवर्ज ऑर्गेनिज्म, इस चीज का ध्यान रहे। तो ये सिस्टेमेटिक की डेफिनेशन। ओके, ये सिस्टेमेटिक्स टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हो गई। कैटेगरी देर आर सेवन ऑब्लिकेट कैटेगरीज, फर्स्ट इज किंगडम, सेकेंड इज फाइलम, फाइलम वर्ड जो होता है वो एनिमल के क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, और डिवीजन जो है वो प्लांट के क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज, दीज आर सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी। ऑब्लिगेट का मतलब कम से कम इनका तो यूज करना है, जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हो तो कम से कम सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी का तो यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता भी है, क्वेश्चन क्या आता है, राइट सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी, तो आपको ये आंसर। Each rank or category of classification is termed as the taxonomical category. Okay, arrangement of category in a sequence termed as taxonomical hierarchy. So taxonomical hierarchy ki definition kya hogi? Arrangement of the seven category or arrangement of the category either in increasing or decreasing order, that is called taxonomical hierarchy. Taxonomical hierarchy mein lower most kaun hai? Lower most kaun hai? Species. Sabse niche ki taraf. इसीलिए इसको आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन होगा? स्पीसीज। ओके, तो दो स्पीसीज किसके अंदर आएगा? जीनस के। इट मींस टू स्पीसीज इंक्लूड्स इन व्हाट? जीनस। तो यहां देखिए, मेंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका इसके अंदर क्या है? इंडिका इसके अंदर स्पीसीज है और मेंजीफेरा जीनस है। तो ध्यान रखिए कि स्पीसीज जो है, सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन व्हाट? प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर जीनस। नेक्स्ट रैंक जो है वो जीनस है, और जीनस के अंदर जैसे आप यहां देख रहे हो, पैंथेरा एक जीनस है, पैंथेरा। अब पैंथेरा के अंदर तीन वर्ड बनता है, पैंथेरा लियो लॉइन के लिए यूज करते हैं, पैंथेरा पार्डस लियोपार्ड के लिए यूज करते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर के लिए यूज करते हैं। तो ये तीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन तीनों का जीनस क्या है? तीनों का जीनस सेम है, लेकिन इनकी स्पीसीज अलग अलग है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टाइगरिस। सो ध्यान रखिए इस चीज का। उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट होता है फैमिली। फैमिली में हम देखते हैं कि फैमिली एक ही डिफरेंट टाइप के जीनस एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो जीनस जैसे सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया, दतुरा हो गया, ये तीन अलग अलग जीनस है जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उस फैमिली का नाम क्या है? उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। फैमिली का क्या नाम है? सोलेनेसी। उसी तरीके से ऑर्डर की बात करते तो डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली बिलोंग टू द सेम ऑर्डर, जैसे कॉर्नवॉलेसी और सोलेनेसी दो अलग अलग फैमिली है लेकिन एक ही ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, उस ऑर्डर का नाम क्या है? पॉलीमोनियल्स। उस ऑर्डर का नाम क्या है? पॉलीमोनियल्स है। इसी तरीके से हम एक चीज डिस्कस कर सकते हैं यहां पर, वो क्या है कि फैमिली कैंसिडी होती है। क्या नाम है फैमिली का? नाम कैंसिडी, जिसमें डॉग डॉग बिलोंग करता है कैंसिडी से, और
फेरिडी फैमिली होती है, उसमें टाइगर भी हो जाएगा, आपका कैट भी हो जाएगा, है ना। तो ये फेरिडी टाइगर है और लॉयन है और ये कैट है, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है फेरिडी। और फेरिडी फैमिली और कैल्सिडी फैमिली दोनों एक ही ऑर्डर से बिलोंग करेंगे, उस ऑर्डर का नाम क्या होगा? कार्निवोरा। उस ऑर्डर का नाम क्या होगा? कार्निवोरा। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्लास क्लास यानी सेम टाइप ऑर्डर, एक ही क्लास से बिलोंग करेंगे, जैसे से भी बताया था प्राइमेटा एंड कार्निवोरा, अभी अभी डिस्कस किया था कार्निवोरा। तो कार्निवोरा में कौन कौन हुए? कार्निवोरा में दो फैमिली आती है, फेरिडी और कैल्सिडी। फेरिडी के अंदर टाइगर लॉइन और कैट आते हैं, कैल्सिडी के अंदर डॉग आता है, यानी कार्निवोरा के अंदर ये सब कुछ आते हैं। और प्राइमेटा के अंदर प्राइमेट में हम ह्यूमन हो गए, मंकी हो गए, ये आते हैं। तो ये अलग अलग ऑर्डर है और दोनों ऑर्डर एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, उस क्लास का नाम क्या है? मेमेलिया। उस क्लास का नाम क्या है? मेमेलिया। उसी तरीके से हाई हायरार्की पे जाएंगे आप, फाइलम में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के क्लासेस जो है वो एक ही फाइलम से बिलोंग करती है। क्लासेस हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, मेमेलिया ले लीजिए, एंथीबिया ले लीजिए, पीसीज ले लीजिए, ये सब जो डिफरेंट टाइप की क्लासेस है वो एक ही फाइलम कोऑर्डिनेटा से बिलोंग करता है और अलग अलग फाइलम किंगडम से बिलोंग करता है। जो हमें पता है कि किंगडम में दो फाइलम होते हैं, प्लांटी एंड एनिमिलिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। नेक्स्ट, ये एक टेबल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है, आपको ये याद करना, इवन नीट लेवल तक इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको बिल्कुल सही तरीके से याद कीजिए। मैन के लिए जो बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस है। अब इसका हायरार्की देखें, कोऑर्डिनेटा, मेमेलिया, प्राइमेटा, होमोनिडी, होमो सेपियंस, है ना। हाउस फ्लाई के लिए आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिप्टेरा, मस्किडी, मस्का डोमेस्टिका। मैंगो के लिए एंजियोस्पर्मी, फाइलम डिवीजन हो गया डाइकोटिलेडोनी, क्लास हो गई सेपेंडियल्स, एनाकार्डियसी और मेंजीफेरा। वीट के लिए एंजियोस्पर्मी जो है वो डिवीजन हो गया, क्लास मोनोकोटिलेडोनी, पोएल्स, पोएसी, क्रिटिकम, एस्टाइमम। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चार ही जो है चार ऑर्गेनिज्म का टेक्नोलॉजिकल हायरार्की दे रखा है। और मैं ये बता दूं आप लोगों को कि चारों का टेक्नोलॉजिकल हायरार्की आप बिल्कुल सही तरीके से याद कर लिए, इवन नीट लेवल तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, डेफिनेटली आप इसमें नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो है मेरे चैनल बायोलॉजी विद प्रकाश वेस्टन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरीके के आगे के भी बहुत सारे सेशन मिलेंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, आपकी बायोलॉजी कंटेंट की नॉलेज को एनरिच करेंगे। सो ये टेबल आप याद करें, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट लेते हैं, आज के सेशन के लिए बस इतना ही ले रहे हैं, कुछ इवेल्यूशन सेल्फ इवेल्यूशन ले लेते हैं। जैसे मैच द फॉलोइंग फॉसिल्स रिकॉर्ड, फॉसिल्स रिकॉर्ड जो है वो किससे मैच कर सकते हो आप? चलो बताइए, यहाँ फाइव किंगडम सिस्टम से, स्पीसीज से, टेक्सोनॉमी से, फाइलोजेनेटिक स्टडी से, या स्पीसीज प्लांटेरियम से। तो फॉसिल्स रिकॉर्ड किससे किया जा सकता है? तो इसके लिए अभी थोड़ा रुकते हैं, पहले आगे विटेकर लेते। तो विटेकर से आप किसको कर सकते हो? फाइव किंगडम को। वेरी गुड। कैरोलस लीनियस की बुक का नाम क्या था? कैरोलस लीनियस की बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरियम। ओके। जॉन रे ने क्या टर्म दिया था? जॉन रे ने स्पीसीज टर्म दिया था। वेरी गुड। अब दो बचते हैं, अगस्त डी कंडोले ने टर्म दिया था टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनेटिक स्टडी, किसमें काम आ जाएगी? फॉसिल्स रिकॉर्ड के अंदर काम आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देखते हो कि आप के एक दो पॉइंट नहीं आने पे भी बाकी पॉइंट की हेल्प लेके आप इसको मैच कर सकते हैं। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, ऑल द diversity of the living beings on the earth is called biodiversity, जो आप इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हो। और द एम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का एम क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो मेन एम है। डिफाइंड टेक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ द डाइवर्स क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। डिफाइंड स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट रैंक ऑफ द क्लासिफिकेशन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, दैट कॉल्ड स्पीसीज। राइट द हायरार्की ऑफ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की में आपको पूरा बताना है क्या क्या, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। डिफाइन फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मीनिंग क्या होता है? तो फाइलोजेनी का मतलब वही है कि आप किसी भी चीज को इवोल्यूशन के बेस पे स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फाइलोजेनी कहते हैं।
कुछ एमसीक्यू ले लेते हैं जो नीट लेवल में आगे जाके आपको मेडिकल एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, तो डेफिनेटली आपको एमसीक्यू की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। इसलिए अभी से आप इसके लिए इनकी प्रैक्टिस रेगुलर करें। जैसे फर्स्ट लेते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इंक्लूड, टैक्सोनॉमी हायरार्की भी क्या इंक्लूड है, थोड़ा आप बताइए। वीडियो को पॉज करके भी आप ऐसे लिख सकते हो और अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो क्या आंसर हो सकता है बताइए, 7 फैकल्टेटिव, नो फैकल्टेटिव वर्ड नहीं दिया था, ऑब्लिगेट लिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी इज द राइट आंसर। फाइन ऑड वन, मेंजीफेरा जीनस, बिल्कुल राइट है, मेंजीफेरा जीनस है। सेपेंडियल्स ऑर्डर, ये भी बिल्कुल राइट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनाकार्डियसी फैमिली, एनाकार्डियसी फैमिली, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। एंजियोस्पर्म क्लास, नो नो नो, एंजियोस्पर्म डिवीजन है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 4 नंबर, एंजियोस्पर्मी क्या है, डिवीजन है, एंजियोस्पर्मी जो है वो क्लास नहीं है। ओके, अ ग्रुप हैविंग इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीसीज। ये स्पीसीज की डेफिनेशन भी हो गई, एक तरीके से स्पीसीज की डेफिनेशन भी हो गई। ये ध्यान रखें आपको कि ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और नया फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग दे सके उसको, उस द ग्रुप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट, स्पीसीज, उसको क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट द टैक्सोन रिप्रेजेंटिंग सेम कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। सेम कैटेगरी मतलब तीनों अगर किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं तो तीनों किंगडम से बिलोंग करने चाहिए, तीनों स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं तो तीनों स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो मेंजीफेरा, सोलेनम और डायकॉट, चलो इसका भी देखते हैं कि ये तो सेम कैटेगरी नहीं लग रही है क्योंकि डाइकोटिलेडनी तो क्लास के अंदर आता है। फेलिस फेलिडी, फेलिडी की बात करें तो वो एक फैमिली है। एनिमिलिया की बात करें तो वो एक किंगडम है, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। कॉनवॉल्विनेसी सोलेनेसी आपका फैमिली हो गया, लेकिन पॉलीमिनेसी ऑर्डर हो गया, तो ये भी आंसर ऑर्डर हो गया। तो आपके पास में बचता क्या है, देखो पहले जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं उनको आप अलग कीजिए, करेक्ट स्टेटमेंट अपने आप वापस आ जाएगा। तो पोटिटो ब्रिंजल एंड पिटूनिया, इसका आंसर बिलोंग, बिकॉज दे ऑल आर बिलोंगिंग टू व्हाट, जीनस। पोटिटो क्या है, पोटेटो, सोलेनम, ट्यूबेरोकोसम, यानी कि वो जीनस से बिलोंग करता है, ब्रिंजल जीनस, ये जीनस का लेके आ रहा है, पिटूनिया जीनस से लेके आ रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5, इनकरेक्ट कैटेगरी विद रेस्पेक्ट टू मैंगो। तो मैंगो को, मैंगो की हेरिडिटी अब आपको याद होनी चाहिए। तो एनाकार्डियसी, पॉलीमोनियल्स, डाइकोटिलेडनी, सब तो इसके अंदर आपका ये सेकेंड नंबर यहाँ पे सेपेंडियल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेपेंडियल्स होना चाहिए। हमने एक उस टेबल में भी पढ़ा था कि यहाँ पे सेपेंडियल्स होता है, तो आप ध्यान रखें इस चीज का। तो यहाँ पे सेकेंड रॉन्ग है, बाकी सारे मैंगो से बिलोंग करते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन द टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन इज प्रिसीडेड बाय। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किसके आधार पे करेंगे, मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे टैक्सोनॉमी के, उन 4 स्टेप्स के आधार पे बताइए। क्लासिफिकेशन के आधार पे नहीं, नोमेनक्लेचर के आधार पे नहीं, करेक्टराइजेशन के आधार पे, यस वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टर्स। तो ये ध्यान रखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर वीट प्लांट। तो वीट प्लांट के लिए कौन करेक्ट है, सेपेंडियल्स अभी भी डिस्कस किया था, मैंगो में आता है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो गया। अच्छा, डाइकोटिलेडनी, वीट कभी डाइकॉट नहीं हो सकता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं एनाकार्डियसी, तो एनाकार्डियसी भी यहाँ आंसर नहीं आएगा। राइट आंसर क्या हो गया आपका, 4 ट्रिटिकम, पोएसी, पोएल्स एंड मोनोकॉट, दिज ऑल द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द साइंटिफिक टैक्सन रैंक आर बिलोंग्स टू व्हाट, आर बिलोंग्स टू वीट। ओके, सो दोस्तों ये सेशन कंप्लीट हो गया है, आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, और इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। क्योंकि आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में ये सेशन दिया जा रहा है तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, आप घर बैठे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। गुड डे टू ऑल। चलो कुछ क्वेश्चन और है, पहले वो डिस्कस कर लेते फिर गुड डे करते। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली। सेम फैमिली से कौन बिलोंग नहीं करता है,
चलो ठीक है, लॉयन, लियोपार्ड एंड टाइगर सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। फैमिली का नाम बताइए। फेलिडी। फैमिली का नाम क्या है? फेलिडी। वेरी गुड। सोलेनम, पिटूनिया, डटूरा कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सोलेनेसी, बिल्कुल करते हैं। कैट, टाइगर, लॉयन, फेलिडी, बिल्कुल एक सेम फैमिली है। देन द आंसर, योर आंसर इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि कैट फेलिडी से बिलोंग करता है, डॉग कैंसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? फोर्थ। अदर स्पेसिमेन डिस्क्राइब अलॉन्ग विद द होलोटाइप इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा पीएमटी लेवल का हो गया, थोड़ा डिटेल में हो गया कि होलोटाइप क्या होता है। किसी भी स्पेसिमेन का जो एक सीट बनाई जाती है, जैसे आपको अगर पीपल की स्टडी करनी है तो सबसे पहली बार जब साइंटिस्ट ने पीपल का एक स्पेसिमेन बनाया था, एक वाइट पेपर लिया था, उसके ऊपर पीपल के कुछ स्पेसिफिक को चिपकाया गया था, उसकी डिटेल लिखी गई थी, नाम लिखा गया था, फैमिली लिखा गया था, तो होलोटाइप, दैट स्पेसिमेन, वो स्पेसिमेन कॉपी को होलोटाइप कहते हैं। लेकिन जब एक पेपर पे उसकी सारी डिटेल कंप्लीट नहीं होती तो एक सेकंड पेपर, सेकंड पेज यूज किया जाता है उसके साथ में, उसको पैराटाइप कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? पैराटाइप हो गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। देन क्वेश्चन नंबर 10, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू सिस्टमेटिक। प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट, ओके। इन्वॉल्व सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके। इट टेक्स इन अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट इजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टर ओनली। क्या आप सिस्टमेटिक में केवल ऑब्जर्वेबल करेक्टर लेते हैं? नहीं, कुछ डिटेल करेक्टर भी लिए जा सकते हैं। फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी करेक्टर भी लिए जा सकते हैं। तो यहाँ डी और डी मतलब क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा लेसन को। वंस अगेन, अ गुड डे टू ऑल, गुड डे, गुड नाइट।